हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करेंगे पोको X2 एंड X3 के बारे में। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड सेटिंग, कीबोर्ड चेंजर किस प्रकार से आप अपने डिवाइस में कीबोर्ड को यूज़ एंड इन चेंज कर पाएंगे। तो यह वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें यह वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की देखिए गाइस, सेटिंग ओपन कर लीजिएगा देखिए इस टाइप से। एंड यहाँ पे आप गाइस आइएगा, सेटिंग में देखिए नीचे आइएगा एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेज एंड इनपुट वाला ऑप्शन मिलता है सेकंड वाला, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका करंट कीबोर्ड इनपुट मेन्यू में देखिए, करंट कीबोर्ड जो हमारे जीबोर्ड में चल रहा है अभी, यहाँ से आप मैनेज कीबोर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मैनेज कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड का पूरा सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको कीबोर्ड की सेटिंग, यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह देखिए, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर पाते हैं, थीम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से थीम डाउनलोड करके यहाँ पे देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से देखिए। एंड वगैरह टेस्ट करेक्शन, ग्लाइड टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे देखिए आपको गूगल इंडिया, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड वगैरह, गूगल वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड, यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ से आप इसका बहुत ही आसान तरीके से फ़ायदा उठा पाते। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।